बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में स्थित अबार माता का मंदिर अपने आप में बेहद अनूठा है। 850 साल पुराने इस मंदिर के बारे में लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि वे मानते हैं कि यहाँ आने भर से सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। इस मंदिर में एक चट्टान मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि कुछ समय पहले तक ये केवल कुछ फीट की थी, लेकिन धीरे धीरे इसका आकार बढ़ते बढ़ते आज करीब 70 फीट तक पहुंच चुका है। कहा जाता है इस चट्टान को छूने से ही निसंतान को संतान की प्राप्ति हो जाती है। लोग इस चट्टान का जुड़ाव भगवान शिव से मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हर महाशिवरात्रि के दिन इसकी लंबाई एक तिल के बराबर बढ़ जाती है। बताया जाता है कि आल्हा उदल ने इस मंदिर को बनवाया था। एक रात महोबा से माधोगढ़ जाते वक्त वे जब यहाँ पहुँचे तो उन्हें अबेर हो गई, जिसका अर्थ बुंदेलखंडी में शाम गहराना होता है, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर अपना डेरा डाल दिया और हर रोज की तरह रात में जब अपनी आराध्य देवी का आवाहन किया तो माँ ने उन्हें दर्शन दिए। बाद में उन्होंने यहाँ उनका एक मंदिर बनवा दिया और ये अबार माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। घने जंगल के बीच होने के कारण लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चल सका और इसे भूलते गए। फिर चंदेल शासन काल के दौरान एक बार उनके लड़ाका सरदार यहाँ आए। वे यहाँ रास्ता भटक गए और उन्होंने इसी जंगल में विश्राम किया। यहाँ उन्हें किसी शक्ति का एहसास हुआ तो उन्होंने इसकी तलाश की और उन्हें यहाँ देवी जी का मंदिर मिला। यहाँ प्राचीन समय में चट्टान के ऊपर मठिया बनाई गई थी जिसमें कभी अबार माता की मूर्ति हुआ करती थी। अब इस मूर्ति को वहाँ से निकालकर नीचे स्थापित कर दिया गया है और एक मंदिर बना दिया गया है। माना यह भी जाता है कि मठिया बनने से पहले ये चट्टान बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब ये साल में सिर्फ एक बार तिल के बराबर बढ़ती है। आस्था है कि इस चट्टान को छूने से भक्तों की मुराद पूरी होती है, लेकिन इस चट्टान पर हाथ रखने का एक अलग ही तरीका है। पहले हाथ को उल्टा रखकर मन्नत मांगो और पूरी हो जाने पर सीधे हाथ रखकर माँ को धन्यवाद दो। अबार माता के मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 50 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। नवरात्रि के दिनों में दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। यहाँ पर प्रत्येक वैशाख माह में एक विशाल मेला लगता है जो 15 दिनों तक चलता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।